स्टूडेंट्स फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। सो कॉन्जुगेट कहते हैं हम लोग अगर हमारे पास a प्लस बी आयोटा है तो अगर हम कॉन्जुगेट इसका लेंगे तो वो a माइनस बी आयोटा होगा। ठीक हो गया। तो अब जैसे ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 आयोटा है ना, तो हम इसके साथ कॉन्जुगेट को डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी। तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये इसके कॉन्जुगेट होता है। इसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। ठीक है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 आयोटा और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक हो गया। अब हमारे पास ऊपर क्या है, 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई, इधर फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा एज इट इज आएगा। नीचे हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। सो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। हम लोग इसके बाद 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 माइनस 16 माइनस 1। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16। ठीक है, तो 9 प्लस 16 स्टूडेंट्स इज 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। ठीक हो गया, 25। और इसके बाद इसका जो फाइनल आंसर लिखेंगे वो 3 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 25 आयोटा, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्जुगेट निकल आया इस फॉर्म का। ठीक है।